बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरसलान हनीफ, तंदूर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम इसे कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी इसको बनाने के लिए। तो हमें चार इस तरह के व्हील्स चाहिए होंगे इसके लिए, जिनमें से मैंने दो व्हील्स ले लिए हैं लॉक वाले, जिनमें लॉक लगा हुआ है ताकि हम इसको एक जगह रोक सकें, और दो व्हील नॉर्मल ले लिए मैंने। इसके अलावा मुझे इन व्हील्स के लिए इस तरह के बोल्ट्स भी चाहिए होंगे, तो मैंने बोल्ट्स भी ले लिए हैं। 16 बोल्ट लिए मैंने, नट एंड बोल्ट। और इसके अलावा एक अदद मैंने तंदूर लिया है बड़े साइज़ का, एक मैंने मेटल का ड्रम लिया है, और हमें एक ग्राइंडर चाहिए होगा और एक मेटल कटिंग का ब्लेड चाहिए होगा। इसके अलावा हमें एक अदद ड्रिल चाहिए, ड्रिल मशीन, और उसके साथ साथ एक मेटल होल करने के लिए, मेटल में होल करने के लिए हमें एक इसका बिट भी चाहिए होगा। तो अगर आप लोगों के पास ये ड्रिल और ये ग्राइंडर अवेलेबल ना हो तो भी कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, आप लोग इसकी मार्किंग करके, मैं अभी इसकी मार्किंग स्टार्ट करूँगा, तो इसकी मार्किंग करके बाहर से भी इसको कटवा सकते हैं, किसी भी लोहार की शॉप से या कहीं से भी, जहाँ से भी आप कटवाना चाहें। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मज़दूरों वाले हुलिये में, और अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्किंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने तंदूर को उस किसी प्लेन सरफेस पर रख लेना है। अब क्योंकि मैं इसको ईंटों के ऊपर लगाऊंगा, तो मैंने इसको ईंटों के ऊपर रख लिया है ताकि मैं इसकी हाइट निकाल सकूँ, और फिर इसके ऊपर मैं एक ऐसे फ्लैट एक लकड़ी रख के इसको इंच टेप से इस तरह से इसकी ग्राउंड से इसकी हाइट ले लूँगा। तो मेरे तंदूर की हाइट आ रही है तकरीबन इस वक्त 26 इंच, तो ये मैंने नोट कर लिया है 26 इंच। और जो मेरा ड्रम है उसको मैं बॉटम से 26 इंच पर उसको मार्क कर लूँगा। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसकी हाइट निकाल लेनी है। अब 26 इंच का अगर तंदूर है आपका, तो आप 2 इंच उसको बढ़ा के तकरीबन 28 इंच पे इसको काटेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस पर इस तरह से एक इसके मैंने 28.5 इंच पे इस तरह से राउंड लगा लिया है, एक लाइन लगा ली है ताकि मैं इस लाइन पे इसको कटिंग कर सकूं। ओके, तो दोस्तों ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इसको ड्रम को उल्टा करके रख दिया है। अब हमें व्हील्स के लिए जो है निशान लगाने, तो उसके लिए हम वही एक स्ट्रेट लकड़ी लेंगे, इसको ऐसे रख के इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से कुछ। ये इसका सेंटर आ गया आपके पास। मैं व्हील्स के लिए भी निशान लगा रहा हूँ। के ऊपर हम अपने चारों व्हील्स रख के कुछ इस तरीके से व्हील्स के जो होल होंगे उनके लिए निशान लगा लेंगे।
तो ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम इन पे होल कर लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने इसमें व्हील्स के लिए होल कंप्लीट कर लिए अपने, और अब मैं ये जो वेंटिलेशन का पॉइंट होता है तंदूर में उसके लिए मार्क लगाने जा रहा हूँ। तो इसका मैं साइज़ अगेन वही बॉटम से ले लूँगा, 9 इंच का साइज़ आ रहा है, और अपने तंदूर का जो बॉटम सॉरी अपने जो ड्रम का जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ से लेके उसके बॉटम से लेके 9 इंच पे मार्क लगा लूँगा। और ये मुझे एक स्क्वायर इस तरह से मार्क चाहिए होगा, तो ताकि हम उसकी कटिंग कर लेंगे फिर। तो फ्रेंड्स, अब ये जो हमने होल किया है इस वेंटिलेशन का होल, इसी होल की मदद से हम इसमें अपने व्हील्स भी लगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने इसके व्हील्स लगा लिए हैं और ये टोटली यूजेबल हो गया है। अब सिर्फ हमने इसमें ड्रम लगा अपना तंदूर सेट करना है, और तंदूर इसके अंदर लगा के फिर इसमें हम इसकी साइडों में मिट्टी को भर देंगे। तो दोस्तों, जो मैंने ईंटें रखी थी उसमें मैंने सीमेंट और बजरी मिला के माल बना के लगा दिया है ताकि ये अपनी जगह पकड़ लें, और इसके बाद हम इसमें रखेंगे तंदूर। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें तंदूर को अपने फिक्स कर लेना है। जी, तो गारा मैंने अपना रेडी कर लिया है, और गारे में आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब गारा बनाएं तो उसमें इस तरह से ये जो भूसा है आपका वो इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए कि वो मिट्टी में से छलकना चाहिए, चिकनी मिट्टी। और उसमें मैंने ये गारा मिला भूसा मिला के इसको एक गारा बना लिया। अब मैं इसके साइड्स में लगाऊँगा यहाँ इस जगह पर, ताकि जब मैं ऊपर से इसमें बजरी डालूँ तो वो बजरी बाहर ना निकल सके यहाँ से।
तो ये तंदूर हमारा रेडी हो गया दोस्तों। अब हम इसकी साइडों में बजरी डालेंगे। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट हमारा तंदूर रेडी हो चुका है। इसके व्हील्स, इसका वेंटिलेशन का पॉइंट और तंदूर फिक्स करके हमने इसको माल वाल लगा के अब छोड़ दिया है। अब हम इसको सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा उसके बाद इसको चलाएंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ जो मैंने स्किप कर दी है वो है इसके हैंडल। हैंडल मैंने अभी नहीं लगाए। और इसकी वेंटिलेशन के पॉइंट का जो हमारा एक पीस निकला था उसको भी मैंने लगाना है, जो यहाँ लगेगा उसको मैं कब्ज़े के थ्रू लगा लूँगा। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में अपनी मैं दिखाऊँगा आपको जब मैं उसको लगा चुकूँगा। बहुत इजी है, ड्रिल से आपने सिर्फ होल करना है इस जगह पे और इस जगह पे, और वो जो आपका पीस था उस पीस को उसके साथ अटैच करके यहाँ लगा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों तकरीबन 24 घंटे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और तंदूर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, सूख भी चुका है। तो चलें मैं आपको इन तमाम चीज़ों के प्राइस बता देता हूं और ये मैं कहां से परचेज़ की थी। तो ये जो मेटल का ड्रम है ये मैंने परचेज़ किया था ऑयल शॉप से, और ये आपको मिल जाएगा वहाँ से किसी भी ऑयल शॉप से। ये मैंने 1500 रुपये का परचेज़ किया था। और जो मैंने इसमें तंदूर लगाया है वो तंदूर मैंने 1000 रुपीज़ का परचेज़ किया था, और ये आपको किसी भी क्ले पॉट शॉप से मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग गमले वगैरह परचेज़ करते हैं वहाँ से ये इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं भी वहाँ हुआ तो वो बंदा आपको ज़रूर गाइड कर देगा कि कहाँ से आपको मिल सकता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो इसकी व्हील्स हैं। व्हील्स मैंने इसके परचेज़ किए थे एक हार्डवेयर शॉप से, और ये किसी भी हार्डवेयर शॉप पे इजीली मिल सकते हैं। और व्हील्स आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी के लें, क्योंकि इसका ठीक ठाक वेट होता है, तो अच्छी क्वालिटी के व्हील्स लें। और व्हील्स मैंने परचेज़ किए थे इसके 1400 रुपये के। तो तंदूर हमारा रेडी है, तो चलें इसको जलाते हैं।